हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन में दोस्तों स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अपने फ़ोन में आप स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है इसके, दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, और आपके फ़ोन दोस्तों यहाँ पर टूल सेटिंग ओपन होगी तो आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट सेटिंग को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, स्मार्ट साइड बार को, गेस्चर सेटिंग्स को, नेविगेशन सेटिंग को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर असिस्टिव बेल सेटिंग भी, इसको भी ऑन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन स्पीड सेटिंग देगी, स्पीड स्क्रीन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों, जो आप यहाँ पे थ्री फिंगर को ऐसे स्वाइप अप करोगे अपने फ़ोन पे तो आपके स्क्रीन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी, आप देख भी सकते हो। मैं इसको ऑन करूँगा, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यूट्यूब ऐप चला रहे हो अपने फ़ोन में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप थ्री फिंगर से ऐसे ऊपर जाकर यहाँ पर स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन स्प्लिट होना स्टार्ट हो गई है। अब दोस्तों यूट्यूब के साथ आपका मन कर रहा है गूगल ऐप चलाने का, या फोटोज़ ऐप चलाने का, शेयरमी ऐप, फ़ोन सेटिंग ऐप, तो यहाँ पर आप वो भी चला सकते हो। दोस्तों कोई कोई ऐप है जिन पे ये काम नहीं करेगी, इसमें इसके सपोर्ट नहीं है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे अगर मैं इस ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता। दोस्तों मैं यूट्यूब पे से करूँगा थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन, स्वाइप अप, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं फोटोज़ पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों मैं फोटोज़ ऐप को यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ स्क्रीन स्प्लिट में, ठीक है। या दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करूँ तो प्ले स्टोर को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यूट्यूब स्क्रीन के साथ। दोस्तों ऊपर मैं यूट्यूब स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ नीचे साइड दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर की स्क्रीन को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों आप ऐसे ही अपने फ़ोन में स्क्रीन स्पीड सेटिंग को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अपने स्क्रीन को दोस्तों यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे इसको इंक्रीज और ऐसे डिक्रीज भी कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोन में हम स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कोई कोई ऐप होंगे आपके फ़ोन में जो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, वरना दोस्तों आप बाकी सारे ऐप आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों ऊपर यूट्यूब की स्क्रीन है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं गूगल ऐप पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, गूगल ऐप और यूट्यूब दोनों ही मैं एक साथ ऐसे चला सकता हूँ, ऑपरेट कर सकते हैं दोनों ऐप को दोस्तों ऐप में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन में आप स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप स्क्रीन स्पीड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आके आप इसको ऑफ़ कर देना, फिर दोस्तों अपने फ़ोन में आप स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर इसको ऑफ़ करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप थ्री फिंगर्स ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो है वो स्प्लिट नहीं होगी। दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन में स्क्रीन स्पीड सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। बाय दोस्तों।